अगर हम स्पेस एजेंसियों की बात करें तो हमारे मुंह से सिर्फ दो नाम निकलता है, वह इसरो और नासा। आज इस वीडियो में हम इसी दोनों स्पेस एजेंसियों के बीच कंपैरिजन करने वाले हैं। लेट्स गो। हम बात करते हैं दोनों स्पेस एजेंसियों के मोटो के बारे में कि दोनों क्यों स्पेस एजेंसी रन करते हैं। इसरो का मोटो है स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट और स्पेस में नई नई खोजें करना और नए नए प्लैनेट्स पे ह्यूमन के लिए जरूरी रिसोर्सेज को खोज निकालना। नासा's मोटो इज दे मेक एयर एंड स्पेस अवेलेबल फॉर एवरीवन। अब हम आगे बात करते हैं इसरो और नासा ने अभी तक कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं। नासा ने अभी तक मर्क्यूरी प्रोग्राम, जर्मिनी प्रोग्राम, अपोलो प्रोग्राम, स्काई लैब, स्पेस शटल प्रोग्राम, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और आर्टिमिस्ट प्रोग्राम। नासा ने अर्थ के ऑर्बिट में दो बड़े बड़े टेलीस्कोप भी स्टेब्लिश किए हुए हैं, वो है हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप। नासा ने अपोलो मिशन के दौरान 12 एस्ट्रोनॉट को चांद पे भेजा है। उसमें फर्स्ट टाइम चांद पे कदम रखने वाले दो एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज है। इसरो ने भी कई सारे मिशन किए जैसे चंद्रयान मिशन, उसमें चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2, मार्स ऑर्बिटल मिशन और एस्ट्रोसैट। इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अब हम दोनों स्पेस एजेंसियों के सक्सेसफुल रहे स्पेस प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हम नासा की बात करते हैं। वॉयजर 1 और वॉयजर 2 नासा का सबसे सक्सेसफुल रहे प्रोजेक्ट में से एक है। उसमें से वॉयजर 1 धरती से स्पेस में सबसे दूर जाने वाला ऑब्जेक्ट है, जो कि 23.5 बिलियन किलोमीटर दूर है धरती से। वॉयजर 1 ने इतनी दूर से अर्थ की और स्पेस की कई सारी तस्वीरें भेजी है, जिससे हम अर्थ से इतनी दूर तक स्पेस में देख पाए हैं। उस पे एक गोल्डन सीढ़ी लगी है, जिससे वॉयजर 1 अगर फ्यूचर में कोई एलियन को मिल जाता है, उसमें दी गई गोल्डन सीडी से वो ह्यूमन के बारे में कई सारी बातें जान पाएंगे। और नासा का सबसे फेमस दूसरा मिशन है अपोलो मिशन, जिसमें नासा ने 12 एस्ट्रोनॉट्स को मून पे भेजा था, जिससे अर्थ से पहली बार कोई इंसान मून पे गया था। अब हम बात करते हैं हबल टेलीस्कोप के बारे में। हबल टेलीस्कोप ने धरती से कहीं लाइट ईयर दूर स्थित स्पेस के फोटोज हम तक भेजे हैं। वजह से हमने दूर तक स्पेस को देख पाया है। नासा का अभी करंट लॉन्च हुआ मिशन, जिसके तहत जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 13 लाइट ईयर दूर स्थित गैलेक्सी और स्टार्स की फोटोज हम तक भेजी है। इस फोटो में हम जिस स्टार्स और जिस सन को हम देख रहे हैं, वो 13 बिलियन लाइट ईयर पहले की फोटोज हम देख रहे हैं, यानी कि यूनिवर्स के ओरिजिन के तुरंत बाद की फोटो हम देख रहे हैं। अब हम इसरो के बारे में बात करेंगे। इसरो के कौन कौन से प्रोजेक्ट अभी तक सक्सेसफुल हुए हैं, तो पहला प्रोजेक्ट है चंद्रयान। चंद्रयान 1 ने मून पे वाटर एलिमेंट्स, मिनरल्स और आइस खोज निकाला है, जो कि वो एक बहुत बड़ी खोज है। और दूसरा है चंद्रयान 2। बात करते हैं चंद्रयान 2 मिशन की। चंद्रयान 2 मिशन में हमने एक लैंडर और एक ऑर्बिटल भेजा था। वो लैंडर मून की डार्क साइड लैंड होने वाला था, जहां पर आज तक कोई भी लैंड नहीं कर सका। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा चंद्रयान 2 भी वहाँ पे लैंड नहीं कर सका। लैंड होने से 2 मिनट पहले ही हमारा चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर से हमारा संपर्क टूट गया, बट अभी भी हमारा ऑर्बिटल एज इट इज वर्क कर रहा था। अब हम बात करते हैं मंगलयान मिशन की, जो अभी तक का इसरो का सबसे सक्सेसफुल मिशन माना जाता है। कि हमने ये मिशन सिर्फ $75 मिलियन में हमने कंप्लीट किया है। जबकि हम नासा की बात करें तो नासा ने टोटल $760 मिलियन मार्स ऑर्बिटल को पहुंचाने में लगाए, ऑलमोस्ट इसरो के प्रोजेक्ट से लगभग 5 गुना है। इसरो ऐसा पहला देश है जो मार्स में पहली बार में ही सक्सेसफुली ऑर्बिटल एस्टेब्लिश कर दिया। इसरो की स्थापना नासा की स्थापना 10 साल बाद हुई थी, फिर भी इसरो नासा से कॉस्ट एफिशिएंट है। अब कॉस्ट की बात निकली है तो हम दोनों स्पेस एजेंसी की बजट की बात कर रहे हैं। इसरो का 2022 और 23 का एनुअल बजट है 13,700 करोड़। अब हम नासा के बजट के बारे में बात करें तो नासा का एनुअल बजट है 1
1,72,264 करोड़। इंडिया और अमेरिका दोनों देश अपनी अपनी जीडीपी के अकॉर्डिंग अपनी अपनी स्पेस एजेंसी में 4.9% का कंट्रीब्यूशन करता है। इसरो का बजट नासा के बजट से कहीं गुना ज्यादा कम है, फिर भी इसरो की सभी स्पेस एजेंसियों में से 4th रैंक हासिल किए हुए है और नासा 1st रैंक। अब हम दोनों स्पेस एजेंसी के फ्यूचर मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट हम नासा के बारे में बात करते हैं। नासा के फ्यूचर मिशन है आर्टिमिस्ट 1, आर्टिमिस्ट 2, अनक्राउडेड स्पेस फ्लाइट टेस्ट बियॉन्ड मून। अब हम इसरो के फ्यूचर मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट मिशन है गगनयान, जिसमें इसरो पहली बार इंडियन एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजेगा। अनक्राउडेड फ्लाइट टेस्ट 2023 में होने वाला है। दूसरा है आदित्य L1, जो सन ऑर्बिटल मिशन है, वो 2023 में होने वाला है। तीसरा है अ मोस्ट अवेटेड मिशन चंद्रयान 3। इसरो के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग ये मिशन 2023 में ही होने वाला है। इसरो खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का प्लानिंग कर रहा है। इसरो सैटेलाइट लॉन्च करने में सबसे परफेक्ट माना जाता है। इसरो नासा और कई सारी स्पेस एजेंसी और प्राइवेट कंपनियों के भी सैटेलाइट को लॉन्च करता है। अब हम इसरो और नासा के रॉकेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसरो का पहला रॉकेट है PSLV, दूसरा है GSLV, जो कि 2500 किलो की वेट तक को स्पेस में ले जा सकता है। GSLV एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल, PSLV SLV-3 रॉकेट इसरो इन करंट टाइम रीयूजेबल रॉकेट बना रहा है। अब हम नासा के रॉकेट के बारे में बात करते हैं। नासा का फर्स्ट रॉकेट है SLS Saturn V। नासा ज्यादातर SpaceX के रॉकेट Falcon 9 रीयूजेबल रॉकेट का यूज ज्यादा करता है। दिस रॉकेट इज मेड बाय SpaceX। अब हम स्टाफ मेंबर की बात कर लेते हैं। इसरो में टोटल 16,786 स्टाफ मेंबर वर्किंग है। और हम नासा की बात करें तो नासा में कुल 7,916 स्टाफ मेंबर वर्किंग है। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन क्लिक ऑन लाइक बटन बिलो। इफ यू वुड लाइक टू वॉच दिस टाइप्स ऑफ वीडियो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑन द बेल आइकॉन।